मधुश्रवा शिव मंदिर में मजहब की दीवार तोड़कर एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी रचा ली। लड़की ने अपने प्यार के लिए अपना धर्म तक बदल डाला और हिंदू बनकर प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खाई और एक दूसरे का दोनों ने दामन थाम लिया। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर सात फेरे भी लिए। मंदिर के पुजारी ने दोनों को हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान से शादी करवाई। दोनों प्रेमी जोड़े भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पिछले 4 वर्षों से दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अपने घर वालों को मनाने में जुट गए, लेकिन शादी में मजहब की दीवार सामने आ रही थी, इसलिए परिवार वाले शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। दोनों ने भागकर एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। फिर क्या था, दोनों ने मजहब की दीवार को तोड़कर शादी कर ली। पहले चोरी छिपे मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बता दें कि प्रेमी राकेश कुमार विनोद कुमार श्रीवास्तव के बेटे हैं, उनकी उम्र 22 वर्ष है। वहीं प्रेमिका रवीना के पिता का नाम मूरजी मंसूरी है और रवीना की उम्र 19 वर्ष है। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा किया है और अपने घर से भागकर शादी रचा ली। इस शादी में मंदिर के आसपास के गांव के लोग बराती बने। मंदिर के पुजारी पंडित अंकुश गिरी ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर लड़की के द्वारा लड़की की मांग में सिंदूर भरवाई। मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर दोनों शादी कर अपने घर रवाना हो गए। दोनों ने खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और पंडित को दक्षिणा भी दी। दोनों धर्म के लोगों के साथ ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोनों का ये प्रेम विवाह दो धर्म के लोगों के साथ ही चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV, पटना। सुप्रीम फर्नीचर नाम ही काफी है, रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगी 400 से लेकर 4000 तक की कुर्सी, तो देर मत कीजिए। होलसेल और रिटेल के लिए आइए बिहार के एकमात्र डीलर लवली इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज में। हमारा पता है नाला रोड, पटना। जानकारी के लिए इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9931239990 या फिर 9835067074 पर।